आदाब, मैं हूं शाहिन और आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। प्रयागराज के फाफा मऊ थाना क्षेत्र के एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या हो जाने से जनपद में दहशत का माहौल कायम हो गया है। मिल रहे समाचार के अनुसार एक ही परिवार में पति पत्नी और उनके पुत्र पुत्री की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। जनपद आज सुबह सुबह एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या का गवाह बन गया। आपसी रंजिश के चलते घर में घुसकर पति पत्नी और उनके दो बच्चों की हत्या कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। वही माना जा रहा है कि घटना का कारण आपसी रंजिश है। मोहनलालगंज फुलवरिया गोहरी गांव निवासी फूलचंद, जिनकी उम्र 50 साल थी, वह मजदूरी का काम करते थे। बुधवार की रात वह घर में पत्नी मीनू देवी 45 साल की आयु की और उनकी बेटी सपना 17 साल और बेटे शिव के साथ 10 साल का जो था आराम फरमा रहे थे। रात में सो रहे थे। देर रात किसी समय घर में घुसे हमलावरों ने चारों ही यानी कि पति पत्नी और उनके बच्चों की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी। सुबह हत्या की जानकारी होते ही पड़ोसियों की भीड़ और गांव वालों की भीड़ मौके पर जुट गई। इसी दरमियान किसी ने इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को प्रदान किया। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस परिवार में मचे हड़कंप पे मौके पे उच्च अधिकारी और आला अधिकारी पहुंच रहे हैं। इस मौके पे DIG के ने भी अपना बयान जारी किया है। मोहनगंज में यहाँ पर चार लोगों के मृतक लोग मिले हैं। उनकी लाश मिली है घर के अंदर। इन चारों के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया दिखाई दे रहा है। गहरी चोट के गंभीर चोट के निशान है। इन सभी लोगों को देखा गया है। तीन लोगों के बाहर वाले बरामदे में है और एक जो लड़की है उसके घर के अंदर है। तो इन सभी लोगों के आज सुबह ही पता चला। हमें सूचना मिली, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम यहाँ पर आई है। इसके बाद से जो मृतक लोग हैं उनकी पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और किन कारणों से इस तरह से हुई है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आएगी। इसके अलावा जो सूचना मिली है, जैसा कि परिवार के जनों द्वारा बताया गया और हमने भी रिपोर्ट में देखा है कि 2019 और 2021 में इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर भूमि विवाद में इन्होंने SC ST के केस लिखवाया है। वो केस देखा गया है। उस केस में कार्रवाई नहीं होने का इन्होंने आरोप लगाया है। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हुए तुरंत कठोर कार्रवाई करेंगे। संदिग्ध लोगों को इनके नाम के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करके इस घटना का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। चार लोग जो मरे हैं, क्या उम्र होगी और कौन कौन लोग हैं? 50 वर्ष के आसपास हैं जो घर के मालिक हैं। उनकी पत्नी है जिनकी उम्र लगभग 45 साल है और एक बच्ची है जो 17 साल की है। एक लड़का है जो लगभग 13 साल का। कुछ वजह पता चल चुकी है इस घटना के कारणों के बारे में थोड़ा समय दीजिए, हम लोग करके बताएंगे। पुलिस कर्मियों को कुछ कार्रवाई वैसे बता रहे हैं। प्रयागराज के तारिक खान की रिपोर्ट के साथ मैं शाहिन आपसे इजाजत लेती हूँ। राम राम, दुआ सलाम।